नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, हम रमेश चंद यादव बीएड टेट 2011 सर बोल रहे हैं। अभी सर गवर्नमेंट तो बनी नहीं है, लेकिन भर्तियां करने को कह रहे हैं। तो भाई, ये जो चुनाव था केंद्र का था और जो जी राज्य जी में होना है, जी तो राज्य सरकार तो वही है ना। यहाँ तो कुछ चुनाव वगैरह था नहीं राज्य का, बस आचार हाँ संहिता लगी हुई थी जिसकी वजह से चीजें रुकी थी। जैसे आचार संहिता खत्म हुआ, चीज आगे बढ़ने लगी। ये लग रहा है सर आपकी ये भी बात सही हुई कि जैसे इनकी सीटें कुछ घटेंगी, ये कायदे से सुनने लगेंगे। चलिए, जैसे भी हो, जो भी हो बस काम अरे होना सर चाहिए। सही है, होना चाहिए, क्योंकि लगभग ये अभी उसका हुआ है सर, जल्द जल्द लगा है, देखिए कब आता है गजट। बिना गजट आए तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, बीएड का जो गजट आना है जी वो एनसीटी को लेकर आना है। केंद्र सरकार का जी है मैटर, जी और केंद्र सरकार परसों तो शपथ ले ही लेंगे। हाँ आज 7 तारीख जी है ना। जी जी 9 या 10 में हो जाएगी शपथ। तो 2 दिन में शपथ वाला कार्यक्रम हो जाएगा। जी बाकी एनसीटी उधर तैयार बैठी है, सारी चीजें वो अपडेट देती ही रही चुनाव के दौरान भी। हाँ हाँ वो जी ट्वीट करके बताते रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। जी सब कुछ तो दिखाया है। तो अब जो है, मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा जुलाई में या अगस्त में गजट आ जाएगा। अच्छा, जुलाई अगस्त में आ जाएगा, तो लग रहा है जैसे अक्टूबर नवंबर ले प्रक्रिया। हाँ, उम्मीद की जा सकती है हाँ कि चीजें अब जो है तेजी से होंगी। हाँ ये तो है, आज ही जिस हिसाब से ट्वीट किए हैं, बुला के बताए हैं कि अगली मई तक जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं सब हमको समाप्त चाहिए, पिछला कैलेंडर। हाँ तो असर तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक अच्छी बात यह है, प्रधानमंत्री जी स्वयं तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो यह हाँ, हमको आज लगता है कि अब तक के प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री पहली बार हुआ जो हैट्रिक कहा जाएगा ना सर, तीसरी बार शपथ ग्रहण लगातार करने जा रहे लगातार। हैं। हाँ हाँ, और योग्य भी हैं, उतना काम भी किए हैं। भाई मिला जुला कर जो दिखता है वो तो है ही है, ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, अपने आप में खुद बहुत खास व्यक्तित्व तो है। हाँ, अब देखिए। चलिए, तो कुल मिला करके जो चीजें जैसी थी वैसी की वैसी हैं। लोगों में एक डर था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चीजें हैं जो हम बताते हैं, और अगर जो है सरकार बदल गई तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो जो लोगों में डर था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो अब तो वो खत्म हो गया। वही गवर्नमेंट है, जो चीजें जैसे चल रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वैसे ही रहेंगी। शिक्षा मित्रों में खास तौर पर था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हम बताते हैं कि उनका भी समायोजन होना है, जो टेट पास है प्राइमरी में, टेट पास नहीं है तो प्री प्राइमरी में भी डर रहा कि पता नहीं आगे इस तरह का कोई प्लान होगा नहीं होगा। जैसे अगर उनका सर वो नहीं होता भी है, मान लीजिए, तो थोड़ा सा उनको कुछ एक ओस की कुछ बूंदे मिल रही हैं 10,000 8,000 के माध्यम से, 10,000 रुपये पा रहे हैं, और लेकिन जो इसमें है बीएड टेट 11 है, ये प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में है। अच्छा, बड़ी संख्या प्राइवेट स्कूल से अपना भाई काम चला रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जो एकदम दिक्कत में है। और दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल में जो जुड़ा है 40-45 क्रॉस कर गया, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत तो होती है शारीरिक अक्षमता से, बिल्कुल ब्रेन और बिल्कुल। विवेक से नहीं बस, और उतने ये लोग कसते जाते हैं। प्राइवेट वाले तो भाई पैसा देते हैं तो उससे ज्यादा काम कराते हैं। नहीं, कमवा तो सर लेते हैं, लेकिन कमवा जितना चाहिए उतना नहीं, उससे अधिक दास्ता हो जाती, गुलामी। वही वही बात कि उससे पठन ज्यादा वाला काम ले करा तब लेते तो हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पठन के कार से अब उनका अपना एक ये है कि जितना हम इनको दबा के रखेंगे वही काम होगा, बस यही पूरा खून चूस लेते हैं। मान के चलिए। और जैसे पठन पाठन में तो दिनों पूरा दिन लगे वो कोई दिक्कत है नहीं, 6 पीरियड
5 पीरियड यही पढ़ाना है। इससे अधिक का मतलब भाई आदमी काम ही नहीं करेगा ब्रेन उसका। और सबसे बड़ी चीज है पढ़ाना बड़ी चीज नहीं। जैसे हमारे सामने जो बच्चा है चाहे वो बड़ा या छोटा इंटर या LKG, सबसे जी बड़ी चीज वो सीख कितना ले रहा है उस टीचर से। हाँ बस अगर वो सीख पा रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो हम सब कुछ जान के उसे नहीं सिखा पा रहे तो चाहे कितनों व्यस्त रहे मतलब नहीं निकलेगा। आजकल के प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है, एक एक क्लास में इतने सारे बच्चे भर दे रहे हैं, बच्चे सीखें न सीखें, कितना सीखे कितना आया नहीं, मतलब है बस रिजल्ट में बढ़िया नंबर हो गया, ऐसे ही चल रहा है आजकल तो। खैर चलिए, तो कुल मिलाकर के चुनाव का जो माहौल था अब वो खत्म हुआ। अभी थोड़ा डाउट था कि बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी, दो चार नहीं नहीं दिन से क्लियर था, डाउट नहीं क्लियर था बनेगी। लोगों लेकिन में हाँ थोड़ा एक चीज आप ये सा बताए थे कुछ सीटें बढ़ घट सकती हैं, ये दुनिया का उत्थान और पतन निश्चित है। जैसे इनको था देखिए 10 साल इनकी बहुमत पूर्ण बहुमत से सरकार थी, ये काम जो किए हैं थोड़ा स्लो गति से किए। जैसे लाए चाहे तो अब वही कमेटी बना लिए होते, जानबूझकर मान के चलिए नहीं बनाए। अब आज जैसे कह रहे हैं कि हम तुरंत एकदम खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे अगर आदेश दिए होते तो शायद अब तक सब लोग लग गए होते। चलिए, जब जैसे जो समय आता है ना तभी होता है, कुछ चीजें जो है सब सही अपने समय बात। पर ही होती हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे भी अब जो भी उनके बुद्धि में आए, जैसे आए सारी चीजें राष्ट्रीय नीति से वैसे भी चल बुद्धि में रही है। नहीं सर, सबके बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ी समझिए कि ग्रुप जो है जो ये सोच ही नहीं सकता अब हम कभी जॉब में जाएं, ओवर एज हो रहा है। अच्छा एक चीज है, PGT में अभी ये 40 साल वाला मामला है, तो क्या अभी इस परीक्षा में तो नहीं लागू, अगली परीक्षा में हो जाएगा क्या? 40 वर्ष के बाद कोई PGT नहीं दे पाएगा? नहीं तो इसमें मामला कहाँ चल रहा था, कहीं कोर्ट वगैरह में चल रहा सुनने था या जैसे क्या? कोर्ट की नहीं जानकारी, जैसे आपसी किसी से सुने हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, जो और सामान्य एज लिमिट है किसी भी भर्ती का, तो जब भर्ती का विज्ञापन आता है उसमें तो डिक्लेयर किया ही गया रहता है। इसमें तो 58 58 58 साल के लिए गए थे ना, एक पांडे थे अभी पीछे TGT में, वो दे रहे थे 58 साल कुछ ही महीने एज थी, उनका सिलेक्शन हुआ है जब BJP गवर्नमेंट दोबारा बनी है। तो उसमें एज लिमिट रहा होगा ना, कि जनरल के लिए 40 नहीं और अन्य को 5 वर्ष का छूट, 45, तो 58 वाले वो किस हाँ बेस पर? 58 नहीं, वो मतलब 58 का ये कुछ बढ़ाए थे बिचवा में, जवा लिमिट ये हट गई थी कि ऐसा नहीं है। नहीं, हमें तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है, और अगर कुछ हुआ होगा कोई खास मैटर तो हो उनका सकता है कोई। खास था क्या, 58 साल एज थी उनका हुआ है नमो। हम थोड़ा देखेंगे कहीं रखे हैं तो बताएंगे आपको, आपको तुरंत याद आ जाएगा। अच्छा, चलिए जो भी है, हाँ लेकिन अब तो यूपी के अंदर शिक्षक हाँ चयन सर आयोग बन गया है, सारी नई जी। नियमावली यही तैयार कर रहा है, सारी चीजें वैसे भी जारी कर चुका है और नई चीजें जारी करेगा। जी। तो इसके वेबसाइट पर जाकर के जो पहले का नियमावली वगैरह जारी हुआ उसके अरे बारे में सुना होगा। वो सर सब देखा गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम हमेशा देखिए आशान्वित रहते हैं, जैसे आशावादी हैं। बिल्कुल जब आशावादी इन्होंने होना चाहिए। नहीं सर, जब इन्होंने टेट की वैल्यूएशन बढ़ा दी, हम हमेशा यही सोचते हैं, आप भी कहें कि जो वैल्यू बढ़ाएगा वही तो आगे ले जाएगा। अब भाई दूसरा जब नहीं कर रहा, अच्छा दूसरी गवर्नमेंट अगर बनती थोड़ा सा संशय था, संशय मतलब वो शिथिल होकर काम करती जरूर। देखिए, ये तो 2011 वालों के लिए कंफर्म है कि सपा हाँ आ जाएगी अगर सत्ता में, तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वही बतिया ना, बीस वही है वालों के लिए, तीस जैसे वालों के लिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है, खास तौर 2011 वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई सब बात, अब हम लोग तो आँख से देखे, हम तो कह भी देते हैं भैया ये 14 वाले में थे 12 से 17 तक हैं, क्या किए, कहे हम समाप्त कर देंगे, हम लोग कहे ये समाप्त हो जाएंगे और सचमुच हट गए। तो अब ईश्वर ने सुन लिया है, अब देखिए इनके हाथ में तीसरी बार सत्ता दी है, अब अगर ये निर्णायक काम करेंगे तो सर जिस भी पोलिंग पे जैसे कभी भी रहा जाएगा वहां इनके अगर 10 वोट कम से कम पड़ रहे हैं तो डालने दीजिए भाई, हम एक अपना नहीं कर सकते मान लीजिए।
वैसे तो करेंगे, लेकिन अगर ये होता है कि नहीं कर सकते, हम 10 तो बढ़ा सकते हैं जो हमें रोजी देगा बिल्कुल बिल्कुल बस। बिल्कुल और ऐसे अगर मान लीजिए अभी 50,000 लोग हों तो कितना संख्या हो गया, 10, 50, 5 लाख बढ़ गया। तो यही है सर, बहुत दिन हो गया था, आज मन में आया कि लगाया जाए। अभी उनका देखे हैं कि जल्द से जल्द मई तक खत्म कर दो, तब हम कहे कि रुकिए बात करते हैं सर से। अच्छा चलिए, तो बस अब जो है 2 दिन और इंतजार किया जाए, कल शनिवार है, परसों रविवार। परसों हो जाएगा सर। हाँ, उसका सोमवार से तो जो है नई सरकार गठन, अब सामने इंतजार है बीएड वाले गजट का। जी। गजट ये जून का महीना चल रहा है। अच्छा, ये जो प्राइमरी में अभी वैकेंसी निकालेंगे, जो कह रहे हैं जल्द निकालो, तो वो भी तो गजट के बिना नहीं होगी, प्रदेश की भी। आए अभी देखिए, वेट करेंगे। वो ठीक है, बोल रहे हैं ना हर चीज जल्द जल्द, हाँ, तो इतना भी जल्द नहीं हर चीज आ जाएगा। अभी विभागों से सही बात ब्यौरा है। मांगा जाएगा, विभाग जैसे उनको, भेजेगा। हाँ सर, जैसे दिखाना है कि हम कुछ सीटें कम हुई तो हम त्वरित एकदम बिजली की तरह काम कर हाँ, रहे हैं, दिखाना अलग चीज है, करना अलग चीज है। तो कोई भी भर्ती जो है, अभी तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को परमानेंट अध्यक्ष नहीं मिले हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हाँ मिले हैं। हाँ वो अभी लिए नहीं है, इसी को देख रहे थे, गवर्नमेंट बने हम ले, नहीं तो अध्यक्ष लेने में सर कितनी देर है, हाँ सबका सब। वो लेके रखे हैं, खाली चुनना है। तो कुल मिला करके अभी जो है ये जून का महीना है, जी। तो जून में फिलहाल हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जुलाई अगस्त में उम्मीद कर रहे हैं बीएड वाला मैटर ये खत्म हो जाएगा, नया गजट आ जाएगा। चलो ठीक, और गजट आ जहाँ जाए तब काफी जहाँ कुछ गजट हो। आया, उसके बाद जो सुपर टेट आना है, वर्षवार नियुक्ति जी। होना है, उसके बाद ही ये सब होना है। अच्छा, जूनियर में तो वर्षवार रहेगी नहीं, वो तो सुपर टेट के ही माध्यम से हाँ, होगा। जूनियर में तो सुपर टेट से ही होगा, जूनियर की अच्छा, भी भर्ती आएगी, अब हर साल और आएगी। प्रमोशन विभागी 50% रहेगा कि नहीं? रहेगा, लेकिन अच्छा बिना एग्जाम के हमें अब 1% उम्मीद नहीं है कि बिना एग्जाम के कोई प्रमोशन अब होगा। अच्छा वो भी लोग सुपर टेट में बैठेंगे, उनको कुछ वेटेज दिया हाँ, जाएगा। मान लेते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 जो भी भर्ती हाँ आएगी, हाँ अगर मान लेते हैं 50,000 है, हाँ तो उसमें जो है इन लोगों को दे देंगे ये कि जो है उसका स्क्रीन, सर 50% तो महिला हो जाएगा ना? महिला और अन्य जो भी आरक्षण जी का प्रावधान है वो सब तो रहेगा। हाँ और सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद प्रमोशन के जी लिए उसमें कुछ जो है कैटेगरी बना देंगे, वेटेज दे देंगे, उम्र अच्छा में छूट दे देंगे और अन्य सारी चीजें दे अच्छा करके एग्जाम में जी बैठाएंगे कि ये हम, आप राज्य कर्मचारी हो, चलो हम आपको हाँ वेटेज दे रहे हैं, 20 नंबर, 10 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर, जो भी बीमा हाँ होगा, हाँ लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं 500 नंबर का पेपर हुआ, सामान्य व्यक्ति जो है पूरा 500 का फाइट करेगा, और जो है इनको जो है अगर 25 नंबर भी वेटेज दे दिए, 25 नंबर बहुत हो गया, फ्री में मिल गया, तो 25 नंबर। 70% सर लोग कट जाएंगे, क्योंकि पठन पाठन से दूर हो जाते हैं ज्यादातर लोग। आखिर सिस्टम में चाहिए कौन? सिस्टम में चाहिए ऐसा व्यक्ति ना जो कि अधिक से अधिक सुटेबल हो, हाँ भाई, सही बात है। अधिक से अधिक सक्षम हो, योग्य हो, हर तरह का जो है। और आप जानते हैं कि हाँ जो लोग पहले से कार्यरत हैं, जी आप जानते हैं ज्यादातर तो मेरिट पर भर्तियां हुई हैं पहले, अभी 68,000 छोड़ हाँ दिया जाए। अरे मेरिट भी हुई है सर, और ये अभी 68,500 में जो प्रभात कुमार सचिव साहब थे, 25 की 35 बिना विदाउट उसके फॉर्म के ही रख लिए, और उनको खाली विभाग बदल दिया गया, तो वो भी तो लोग रहेंगे तो वही बात हमेशा। कि जब फिल्टर होगा, एग्जाम देना होगा, तो ऐसे लोग ना ही जाएं आगे, तो अच्छा ना, जो योग्य है उसको हाँ प्रमोशन मिलना चाहिए ना भाई। सही बात है, सही है सर। देखिए, अगर 2 लाख जो है प्राइमरी शिक्षक हैं, तो 2 लाख का तो प्रमोशन होगा नहीं, प्रमोशन के लिए 10-20 हजार ही तो होंगे, या मान लेते 25,000, 30,000 यही हो सकता है ना। तो अब उसमें योग्य लोग आए, काबिल जी। लोग आए, वो ज्यादा बेहतर है। तो और छटना तो है ही है, तो ऐसे लोग छट जाएं जो कहीं से गड़बड़ हैं। ये एक और लाइन सर जुड़ जाती, पता नहीं है कि नहीं, जैसे जूनियर में जो अध्यापक हुए उनकी भी जैसे परीक्षा या कुछ लिया जाए, उनको फिर टीजीटी मर्ज किया जाए। टीजीटी में मर्ज करने का नहीं, एग्जाम तो वही रहेगा। हाँ, आप जी, क्योंकि थोड़ा एक देखिए, पहले क्या था, आसान हो जाता ना असल में उनको। पहले क्या था, जी बेसिक अलग,
माध्यमिक हाँ अलग, उच्चतर अलग, जी सब अलग अलग थे। अब आ गए सब एक ही टेबल के नीचे, एक ही जी का। अब जो है इस तरह के सिस्टम डेवलप किए जाएंगे, तो अब जो नया ये नियम वगैरह बनेगा, इसमें देखिएगा कंफर्म जूनियर वालों को भी जो है टीजीटी में वेटेज वगैरह दे करके वहां पर मौका दिया जाएगा, ये सब अब जी बनेगा। बनना चाहिए, तो इससे क्या पारदर्शिता आएगी कि जो मेहनत कर रहा है वो आगे गया और आगे गया, उसके अंदर फिर बढ़ेगी एबिलिटी। देखिए जब रेस में लोग दौड़ रहे जी होते हैं तो जी वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे पीछे वाला कौन है, हम उससे कितना आगे हैं, वो ये देख रहे हैं आगे हमसे कौन आगे है। कौन है, हमें उससे आगे हाँ निकलना है। तो हाँ ये जो भावना है, ये जी भावना लाने के लिए इस तरह की जी चीजें जब तक तो नहीं बनाएंगे कि जो है जूनियर वाला भी प्रमोट होकर टीजीटी में जा सकता है, जी तो ये चीजें न होने के कारण ही लोग क्या है जूनियर में नौकरी पा गए, अब हाँ शिथिल हो गए, वहां जी रहेगा नहीं, उनके अंदर जोश रहेगा जब इस तरह के नियम जी बन जाएंगे कि अरे अब हमको तो अब यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रमोशन लेकर के टीजीटी में जाना है। ठीक है, जी डायरेक्ट नहीं हम जो है टीजीटी दे पाए, नहीं हो पाया, लेकिन अब तो नौकरी पा गए हैं, थोड़ा सा वेटेज भी मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, उसमें हाँ भी छूट दे ही रहे हैं, चलो ये ट्राई करते हैं। तो जो हाँ अच्छे लोग जूनियर वगैरह में रहेंगे उनको जो है आगे मौका मिलेगा। जी तो अभी सब होगा, लेकिन बस ये है ना कि अभी तक जो दो है, तीन महीना वेट। हाँ वेट तो करना ही है, लेकिन जो नए नए नियम की बात हम लोग कर रहे हैं इस तरह के, जी इसमें थोड़ा धीरे धीरे होगा, समय लगेगा ना, अचानक से ऐसा हाँ चीजें बदलेंगे तो नहीं विरोध भी हो नहीं सकता है, अचानक सर कैसे, अचानक से चीजें अचानक बदलेंगी कोई तो विरोध चीज भी हो नहीं हो सकता। सकती। हाँ अरे अब विरोध विरोध कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा, अब सब लोग रहेंगे संग। हाँ मिला से करने वाले संग। यहाँ नेतागिरी करने वाले एक से एक लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी गवर्नमेंट करे कितना भी बढ़िया करे, लेकिन उसका भी विरोध करने का एक कारण खोज लेते हैं। देखा सर हैदराबाद करे, देखा बहुत बढ़िया सब्जी है तब भी विरोध है, अरे यार मसाला बहुत ज्यादा डाल दिया, अगर नहीं रहेगा कैसे स्वाद आएगा। और वही है गवर्नमेंट बहुत कुछ की, लेकिन यही जरा सा हल्का सा, चाहे इसको नमक मानिए, जैसे बेरोजगार ही शब्द पे थोड़ा सा कुछ शिथिलता रही, ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ, थोड़ी सी हल्की सी, जिसके शिकार आप भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे 11 देखिए, आज सर 2 बार ही आए, 10 साल हो गया इनको भी, अगर किए होते तो एक वर्ष में मान के चलिए कितनों कम, तो अगर 30 करे 36, जी 36 हमें 36 लाख का नुकसान ये ना। नुकसान आ? तो ही है। अब वह हम लोग, अच्छा वो चला जाए उसकी नहीं बात है, जैसे बच्चे बड़े हैं अभी उनको पढ़ाना खर्च है, सामने जैसे एक लड़का बी फार्मा करा रहे हैं, तब सामने उसको कहीं मेडिकल एजेंसी या कुछ कहीं करेगा तो चाहिए बजट, बिल्कुल बिल्कुल और अगर हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं भैया बी फार्मा की हो तुम, पीसीएस चाहे आईएएस की तैयारी करो, हम देख ले रहे हैं 2-4 साल, हाँ तो अगर वो हो गया तो एक बहुत बड़ी चीज निकल जाएगी ना। और चलिए अगर नहीं जी अब इसको कह लिया जाए किस्मत, कि जब जो नहीं है किस्मत में तो वो नहीं मिलेगा, और जब मिलना नहीं हो सर, तो किस्मत मिलेगा। में तो है, किस्मत में नहीं होता अगर तो हम लोगों की आपसे न बात होती और शिक्षा मित्र टेट दे दिए होते, कहते हैं ना बुद्धिमान के लिए एक सुराग बाहर जाने का मार्ग होता है, बेवकूफ के लिए वह सुराग कुछ भी नहीं, एक प्रकाश का माध्यम होता है, तो यही है, अगर वो टेट दिए होते तो आज हम लोग ऐसे होते ही नहीं। हाँ ये भी सही बात है। जी और टेट नहीं दिए इसलिए अब जब भी हो उम्मीद बनी है, आशा है, सिर्फ ये साफ हो जाए कि हम हो गए सरकारी, बस बाकी बिल्कुल बस किसी न बस किसी तरह सर काम चलाया ही काम तो जा चल ही रहा रहा है। है, लाइफ चल ही रही है, सारी चीज चल ही हाँ रही हैं। जी अरे भाई नहीं 500 का पहनेंगे, 50 का पहनेंगे, तन तो ढका है, हाँ आज भी लोग मास्टर साहब कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, कल थोड़ा सा उदारता रहेगी, विनम्रता रहेगी, अरे मास्टर साहब हुए हैं सरकारी मास्टर साहब जी, प्राइमरी विद्यालय सरकारी का, न लगा हुआ है लेकिन थोड़ा सा एक लेबल हल्का सा हाँ उनके भावनाएं बस जो होती है ना बदल जाती हैं। जी। अब यही देखिए हम कहें ना इस व्यक्तित्व में कोई तो खास है, शायद पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हम कहे हैं,
लेकिन हमको नहीं लग रहा कोई लगातार 3 बार बना है अब तक, कोई नहीं है अपने हिंदुस्तान में, ये है तो कोई? लगातार हो गया नेहरू इस जी भी चीज पे। नहीं है, हाँ नेहरू जी 2 बार थे, दूसरी बार कार्यकाल में गड़बड़ा गए, लेकिन तीसरी बार है नहीं, कोई नहीं है। लगातार 3 बार कोई नहीं है। तो व्यक्तित्व में सर कुछ तो है बिल्कुल। जी। तो चलिए, चलो नए नए ठीक है सर कृत्रिम जो नए नए जो है रिकॉर्ड बनते जी। रहते हैं, एक नया रिकॉर्ड ये हाँ भी सर, रहेगा। ये हैबे कर है, एक नया चलिए। रिकॉर्ड है अपने आप में है। और ये देखिए विश्व में इनकी तुलना होती है, तमाम चीजें भाई, अब धारा हटाए, मंदिर बनाए, और तमाम चीजें हैं, बहुत कुछ ऐसे काम किए। अभी मतदान पे इतना बड़ा महोत्सव बना, कभी इसके पहले थोड़े दिखाई देता था। हाँ तो अब हमको तो ये लग रहा है एक समय ऐसा आएगा जब वो जो मशीन है वो घर घर आएगी, भैया वोटर आप आओ बटन दाब के, एकदम स्वतंत्र, खाली सिर्फ वो कर्मचारी रहेंगे बस, अरे वो देखिए, दिन दूर नहीं है आधार आधार जो है वो जी। अब आप हर व्यक्ति हाँ, के नाम सिम जैसा अंगूठे, हो गया, कार्ड हो गया। हाँ अंगूठे से हो गया। आपको सिम हाँ कार्ड हाँ लेना है, जाइए, बिना कागज के मिल जाएगा। अंगूठा लगा के जी पैसा जी निकालना है, अंगूठा लगा के निकल जी जा रहा है। जी 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 आपका पहचान पत्र है बैंक में या कहीं तहसील में कोई काम है तो ई केवाईसी कर दीजिए, अंगूठा लगा करके हो जा रहा है। तो आने वाले समय में वोटिंग का भी वह अंगूठा है फिर लगा। गांव गांव बाजार चट्टी चौराहे, छोटे छोटे बैंक हो गए, भैया 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ट्रांसफर हो जाता मोबाइल से, 1 लाख ट्रांसफर कर दा, कोनो बात ना। अब बैंक में वही खातिर, अरे बहने बैंक खुली 10 बजे, तब फिर पहुंचा, तब तक पता लगल स्टाफ है ना हो। ला आज ये सब परेशानियां नहीं, ये सब सर महसूस जो करेगा तो बहुत कुछ है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्या कोई कहेगा है? तो आने वाले समय में ऐसा सिस्टम हो जाएगा जी कि ये जो डाकिया हैं, पोस्ट ऑफिस वाले, लेखपाल जी जी हैं, जी इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते रहते हैं हमेशा, इनको एक मशीन मिल जाएगी। जाओ भैया, अंगूठा लगाएगा व्यक्ति, अपना वोट जिसको देना होगा दे देगा। हाँ सर, ये दिखाई दे रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 साल या 1 दशक जात जात ये चीज आ जाएगी, क्योंकि तब हमें न फोर्स की आवश्यकता है, एक चीज फोर्स से बच जाएंगे। जब भीड़ होती है तो विवाद होता है, हाँ जब भीड़ नहीं होगी, जैसे आज पोलियो ड्रॉप पिलाने आए गांव में, आ गए दूज लोग, अच्छा भैया इधर 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 सब लोग देते चले गए, क्यों क्यों से पूछबैन करी, और नेतागिरी जब सही तैयार रहा आदमी, कपड़ा पहने ला तब होले भीड़ होले, और हाँ जब क्यों क्यों से ना मिली तो कौन नेतागिरी हुई, अपन लगावत सब चल जाई। बिल्कुल। और फोर्स वाला जो एक अलग खर्च वो बचेगा कि नहीं बचेगा, मशीन ले जाने के लिए भले आ जाए, लेकिन उस तरह नहीं चाहिए, कोई विवाद हो गया, ये एक अच्छी चीज हो जाएगी। बिल्कुल, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज तेजी से होगा और वोट प्रतिशत जो है बढ़ेगा हर हाल में। वो तब बढ़ना ही बढ़ना सर। हाँ, 70%, 80% तक जाने लगेगा। इंदिरा जैसे गांधी जी रही हैं 11 साल जो जी है 2 महीने लगभग, जी तो उनका तीसरा क्या ऐसा? कार्यकाल पूरा नहीं हुआ सर, अच्छा। जैसे वो हत्या हो गई ना उनकी, तीसरी बार बनी लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो इनका तीनों लगातार ही रहा है ना? हाँ, किसका, इंदिरा जी का? हाँ, नहीं, तीनों लगातार तो हमको नहीं लग रहा, एक बार इमरजेंसी में इस्तीफा देना पड़ा, ध्यान है जो नसबंदी कराई। तो ये इसमें अभी हमने गूगल की बात करते करते, तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 11 वर्ष 59 दिन बता रहा है। अच्छा, तब लगातार है। ये लगातार इसमें दिखा रहा हाँ है। इसके बाद भी हुई हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ये और लोग तो लगातार सर नहीं दिख रहे हैं है, और कोई नहीं यही। है, इन्हीं का है। हाँ, तो ये इसके महिला बाद है, पुरुष है, एक हाँ व्यक्तित्व तो अलग हो गया, हाँ पुरुष में कोई नहीं है हाँ पुरुष में तो ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला लगातार जी। वाला। और इतना सुदृढ़ व्यक्तित्व तो कभी ना क्यों दिखाई देता, हाँ, एक देखा चाहे मान पावर नेहरू क्यों न नेहरू मान पावर। जी का तो 16 साल रहा है। हाँ, नेहरू जी का रहा है तो, लेकिन वो भी तो जान रहे हैं कैसे रहा है।
ये तो इस है। तरह का व्यक्ति तो नहीं रहा। वो हाँ संविधान तैयार करके रखे थे, अब ये सब चीजें खोलने वाली तो है नहीं सर। वो तो हाँ जग जाहिर है। जी जाहिर है, लेकिन ये सब खोलने लायक नहीं ना, हर चीज है, बिल्कुल। हाँ ये थोड़ा कष्ट होता है। वो समय कुछ और ही था, उसका जो जी है एक तरह से जो आज लोग आज कहते जो हैं कि जागरूकता जनता के अंदर ये चीज नहीं थी तब। हाँ तब नहीं थी, और उस समय एक तरह का डिक्टेटरशिप था इन लोगों का, जी तानाशाही था, हाँ इमरजेंसी लगा देना, नसबंदी करा देना, जो मन में आया वही बस जबरदस्ती एकदम। जी यही सब है। चलो सर ठीक है, बहुत चलिए सर बहुत ठीक धन्यवाद। किसी तरह है, है। मार्केट में है कि घर है आप? नहीं फिलहाल तो घर पर ही हैं। अच्छा, चलो ठीक है सर, ठीक 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 नमस्कार। ठीक है, चलो सर।